हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल उमेश गुरु शॉर्ट में। आज की इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप कहीं भी रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी वीडियो को बैकग्राउंड में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसे आप कैसे कर सकते हैं फिल्मोरा के जरिए। सबसे पहले हम यहाँ पर इस फिल्मोरा एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे कि आप कैसे एडिट कर सकते हैं उस टाइप के वीडियो को। सबसे पहले क्या करना होता है कि आप अपने बैकग्राउंड में कोई भी ग्रीन स्क्रीन, कोई भी ग्रीन पर्दा से रिकॉर्ड करें। आपके बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन होना चाहिए, जैसे कि ग्रीन पर्दा लगा सकते हैं या फिर ग्रीन कलर में अगर आपका वॉल पेंट किया हुआ है तो भी ये चल सकता है। आपका लाइटिंग अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छी तरह से आप लाइटिंग करते हैं, पर्दा पर भी अगर आप अच्छी तरह से लाइटिंग करते हैं तो आपका ग्रीन स्क्रीन बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, मैंने एक वीडियो को ग्रीन स्क्रीन में रिकॉर्ड भी कर रखा है और मैं एक फुटेज वीडियो को भी आपको उसके बैकग्राउंड को रिमूव करके दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखते रहें। जैसे कि देखिए, यहां पे आपको प्लस बटन पे क्लिक करना है। जिस भी वीडियो के ग्रीन स्क्रीन को आपको बैकग्राउंड को हटाना है उस मूवी को जो है आप यहाँ पर लाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल लूँगा, एक मैं आपको मूवी क्लिप को दिखाऊँगा। यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट करके इस फिल्मोरा ऐप में लाएँगे और दूसरा वीडियो जो हमारा होगा यहाँ पे मैं अपना खुद का जो ग्रीन स्क्रीन में रिकॉर्ड किया हूँ उस वीडियो को मैं आपको फिट करके यहाँ पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, दोनों वीडियो जो है ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड में लगा हुआ है। दोनों को आप आसानी से इसके ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर सकते हैं। तो वीडियो में एकदम बने रहे आपको। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस प्लस बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये टाइमलाइन में आ जाएगा। इस प्लस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे फ्रेम रेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी फ्रेम रेट में आप एडिट करना चाहते हैं। जैसे कि यूट्यूब के लिए मैं एडिट करूँगा तो यहाँ पे इस फ्रेम रेट में मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, ये भी यहाँ पर देखिए आ गया है। तो दोनों यहाँ पर आ गया है। अब क्या करना है कि इसे ऊपर कर लेना है, क्योंकि जब आप ग्रीन स्क्रीन में एडिट करेंगे तो आप बैकग्राउंड में जब कुछ लगाना चाहते हैं तो आपको नीचे वाले लेयर में यहाँ पे आपको लगाना है। मान लीजिए कि बैकग्राउंड में कोई वीडियो लगाना है या फिर कोई इमेज लगाना है तो वो लेयर आपका नीचे में होना चाहिए और आपके वीडियो वाले लेयर ऊपर में होना चाहिए। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें। तो मैं मान लीजिए कि इस बैकग्राउंड में कोई मैं वीडियो फुटेज को लगाऊंगा तो मैं वीडियो फुटेज को यहाँ पर जो मैंने ऑलरेडी परचेज कर रखा है मैं यहाँ से लाऊँगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ढेर सारा वीडियो फुटेज है तो मैं किसी एक वीडियो फुटेज को यहाँ पे बैकग्राउंड में लगाने वाला हूँ, जो मैं आपको दिखाने के लिए बस करूँगा। तो किसी एक वीडियो फुटेज को हम यहाँ पे लाएंगे जो हमारा अच्छा हो। यहाँ पे जैसे कि देखिए ये वाला हमारा अच्छा है। तो इस वीडियो फुटेज को क्या करना है कि आपको टाइम लाइन वन में लगाना है। टाइम लाइन यहाँ पे प्लस बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सेलेक्ट, जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे इस प्लस बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये टाइमलाइन वन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे देखे ये आ गया है। अब यहाँ पे देखे तो यहाँ पे इसके ग्रीन स्क्रीन को जैसे ही मैं रिमूव करूँगा ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। इसके बैकग्राउंड में ये वीडियो फिट हो जाएगा। मैं आपको दिखा दूँ कि इसके बैकग्राउंड में ये वाला वीडियो लगा हुआ है, पहले ही आप देख ले ये वाला वीडियो इसके बैकग्राउंड में लगा हुआ है। तो ये वीडियो जो है मैं दो वीडियो को एडिट करके दिखाऊंगा। तो एक वीडियो मेरा जो है ज़्यादा लंबा है तो मैं इसे थोड़ा सा कट कर लेता हूं और इस वीडियो को भी मैं यहां पे कट करके हटा दूंगा और यहां से जो है इस वीडियो को भी थोड़ा कट करके मैं आपको दिखाने के लिए इतना ही यहां पे रखूँगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हम इसे कट कर लेते हैं और इस वीडियो को हटा देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों जो है अलग अलग वीडियो है, दोनों अलग अलग वीडियो को मैं दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कैसे ग्रीन स्क्रीन रिमूव किया जाता है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन वाला एक बटन डायरेक्ट यहाँ पे फिल्मोरा में आपको दिख जाता है। यहाँ पे ये ग्रीन स्क्रीन वाला बटन है और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे जब आप तो भी यहाँ पर आपको ग्रीन स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोनों में से किसी पर क्लिक करेंगे तो आप एक ही जगह पहुँचेंगे क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। तो सिंपली यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, इसका जो है बैकग्राउंड ग्रीन अच्छी तरह से लगा हुआ था ग्रीन कलर। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे देखिए इसका ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुका है। अगर अच्छी तरह से रिमूव नहीं होता है तो यहाँ पे आपको पेंसिल बटन दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए ये पेंसिल बटन है, इस पेंसिल बटन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस ग्रीन स्क्रीन पर ले जाके आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए अच्छी तरह से ये रिमूव हो जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा हमें। अब इसे सेलेक्ट करके इसको वीडियो में फिट कर देना है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे कि इस वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा।
कि इस वीडियो से आप ग्रीन स्क्रीन कैसे रिमूव करेंगे। सिंपली यहीं पे आपको क्लिक करना है, इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये ग्रीन स्क्रीन थोड़ा अच्छी तरह से रिमूव नहीं हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो अच्छी तरह से रिमूव नहीं हुआ है, तो वही करना है आपको, इस पेंसिल बटन पे क्लिक करना है और इस ग्रीन स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो देखें अब थोड़ा सा अच्छी तरह से रिमूव हो गया है। यहाँ पे देखें तो अच्छी तरह से रिमूव हो गया है। अब इस तरह से नहीं होता है आपका रिमूव, तो क्या करना है कि यहाँ पे आपको ऑफसेट दिया गया है। यहाँ पे देखें चार ऑप्शन दिए जाते हैं बेसिकली। यहाँ पे पहला वाला जो है कलर है, उसके बाद ऑफसेट है, उसके बाद टॉलरेंस है, उसके बाद एज थिकनेस है, उसके बाद एज फीदर है। तो इसको अब आगे पीछे करेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करेंगे इन चारों को, तो अच्छी तरह से ये फिट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें मैं जैसा ही आगे करूँगा तो इसका जो है फेस देखें कि कट रहा है, हल्का हल्का कट रहा है। पीछे करूँगा तो देखें जो है पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया है। तो अच्छी तरह से आपका रिमूव नहीं होता है, तो जो है आप इसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं इसका वॉइस को कम कर देता हूँ या फिर म्यूट कर देता हूँ। अब आपको मैं प्ले करके भी यहाँ पे दिखा दूंगा कि ये हमारा कैसा दिखता है। तो म्यूट करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको म्यूट वाला बटन दिख जाएगा, तो सिंपली इस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे म्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे भी राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा म्यूट हो गया है। अब हम आपको प्ले करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में अलग वीडियो चल रहा है और यहाँ पे देखिए इसके ऊपर में ये जो है कोई एक्ट्रेस है जो है, मतलब ग्रीन स्क्रीन में रिकॉर्ड करी गई थी और यहाँ पे जो है ये अच्छी तरह से फिट हो गया है। अब जो मेरा खुद का रिकॉर्डेड वीडियो है वो स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से ये नहीं रिमूव हुआ है, तो फिर से डबल क्लिक करेंगे और मैंने जो आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया तो ये इसका क्वालिटी ख़राब हो गया है। तो ख़राब हो गया तो फिर से क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए एक आपको डिलीट इफेक्ट दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए डिलीट इफेक्ट पर मैं अगर डिलीट कर दूँ तो फिर से पहले जैसा ये वीडियो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये हो गया है। अब फिर से मैं इस पर ग्रीन स्क्रीन अप्लाई कर देता हूं ताकि अच्छी तरह से यहां पे हो जाए। और यहां पे पेंसिल बटन पे क्लिक करेंगे और यहां पे कलर पे जाके हम क्लिक करेंगे तो देखिए लगभग अच्छी तरह से यहां पे हट गया है। अब देखें कि इसी तरह से फ्रेंड्स आपको देख देख के ग्रीन स्क्रीन जो है आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी रिमूव करना होता है। पहले मैं इसे म्यूट कर देता हूँ। यहाँ पे इसी तरह से आप जो है ग्रीन स्क्रीन को आप रिमूव कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब अच्छी तरीके से यहाँ पे लगभग हो गया है। अब क्या करना है कि इस पे थोड़ा शैडो इफेक्ट अगर आप डालेंगे तो ये और अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ पे देखिए एज थिकनेस को मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ, यहाँ से मैं इसको बढ़ाऊँगा तो देखिए साइड साइड में जो है यहाँ पे देखेंगे कि इसके चारों साइड में थोड़ा सा यहाँ पे शैडो आ गया है। शैडो जो है शैडो रहेगा तो देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं अब प्ले करके दिखाता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से लगभग जो है एडिट हो गया है। अगर ये कलर जो है अच्छी तरीके से मैं लाइटिंग किया होता तो इसमें जैसे ये एक ही क्लिक में हो गया ये वाला वीडियो, ठीक इसी तरह से मेरा रिकॉर्डेड वीडियो भी हो जाता। तो फ्रेंड्स, मैं आप उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेरे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। इसी तरीके से आप अपना बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं अगर इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो मैं आपको अगले वीडियो में इमेज का भी बैकग्राउंड कैसे रिमूव करी जाती है मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो भी हमें मोटिवेशन मिलता है, आपको कुछ नया जो है मैं सिखाते रहता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं पावरफुल एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।